नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप की मदद से अपने टिकट को कैंसिल कर सकते हैं, क्या है टिकट कैंसिलेशंस के नियम, किस किस तरीके से हम अपने टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इस फ्लो चार्ट के बारे में। सबसे पहले हम टिकट बुक करते हैं तो हम दो तरीके से टिकट को बुक कर सकते हैं, या तो जनरल कोटा में या तो तत्काल कोटा में। जैसा कि हम तत्काल कोटा में अगर बुक करते हैं तो हमें या तो कंफर्म टिकट मिलेगी या हमें वेटिंग टिकट मिलता है। अगर हमें कंफर्म टिकट मिलता है और अगर हम उस टिकट को कैंसिल कराएंगे तो हमें कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। और आपका अगर वेटिंग टिकट है तत्काल का तो आपका ऑटोमेटिकली ही चार्ट बनने पर टिकट कैंसिल हो जाता है। और मान लीजिए अगर आपका RAC है तो आपको 30 मिनट जो शेड्यूल डिपार्चर है उससे 30 मिनट पहले आपको TDR फाइल करना पड़ता है। अब हम देखते हैं जनरल कोटा से टिकट बुक करने पर क्या क्या होता है। अगर जनरल कोटा से आप टिकट बुक करते हैं और आपका टिकट कंफर्म होता है तो आपको 48 घंटे या उससे अधिक पर आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपको फुल रिफंड मिलेगा, खाली क्लरिकल चार्ज काट कर। और अगर आप टिकट को कैंसिल करते हैं 12 घंटे पहले शेड्यूल डिपार्चर के तो आपका 25% फेयर और क्लरिकल चार्ज में से जो भी हायर होगा वो डिडक्ट हो जाता है। और अगर आप चार्ट प्रिपेयर होने के 4 घंटे पहले टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपका 50% फेयर डिडक्ट हो जाता है। और चार्ट बनने के बाद आपको कोई रिफंड नहीं मिलता है कंफर्म टिकट के केस में। अब हम जानते हैं अगर जनरल कोटा से आपका RAC का टिकट है तो आपको आपका RAC या वेट लिस्टेड टिकट है और आप सोच रहे हैं कि नहीं जाना है तो आप शेड्यूल डिपार्चर के 30 मिनट पहले भी टिकट को कैंसिल करा सकते हैं, जिसमें आपको क्लरिकल चार्ज काट कर रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर आप कैंसिल नहीं कराते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इस फ्लो चार्ट को और डीपली समझने के लिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। जैसा कि आप जानते हैं टिकट कैंसिलेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑनलाइन टिकट कैंसिलेशन है और दूसरा काउंटर टिकट कैंसिलेशन। तो पहले हम देख लेते हैं ऑनलाइन टिकट कैंसिलेशन को। ऑनलाइन टिकट कैंसिलेशन में आपको ये टेबल मैंने बनाई है, इसमें आपको आसानी होगी समझने के लिए। जैसे कि व्हेन मतलब कौन सा टिकट और कब आप कैंसिल कर रहे हैं, टाइमिंग्स मतलब कि आप कितने टाइमिंग ड्यूरेशंस पर करेंगे तो उसको क्या क्या रिफंड मिलता है, क्लास मतलब कि कौन कौन सी क्लास की टिकट्स हैं, कंफर्म्ड सीट्स मतलब यहाँ पर आपको कितना क्लरिकल चार्ज कटेगा पर पैसेंजर वो आपको शो हो जाता है। RAC और वेट लिस्टेड में आपको 60 रुपीज़ पर पैसेंजर आपको देना होता है। तो चलिए जानते हैं अगर आप चार्ट प्रिपेयर होने के 48 घंटे या उससे अधिक पर टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको फर्स्ट AC का 240 रुपये, सेकेंड AC का 200 रुपये, थर्ड AC चेयर कार और थर्ड AC इकोनॉमी 180 रुपये, स्लीपर क्लास का 120 रुपये और सेकंड सीटिंग का 60 रुपये पर पैसेंजर आपका डिडक्ट होता है। और यही अगर हम देखें RAC या वेट लिस्टेड टिकट में तो आपका 60 रुपीज़ क्लरिकल कार्ड डेबिट करके आपको रिफंड मिल जाता है। सेकंड केस हम देखते हैं जिसमें आपका 48 घंटे से 12 घंटे के बीच में
शेड्यूल डिपार्चर के आपने अगर टिकट को कैंसिल किया है तो कोई भी क्लास हो आपका 25% फेयर डिडक्ट हो जाता है कंफर्म टिकट की केस में। और तीसरा केस है, अगर आपने 12 घंटे से लेकर शेड्यूल डिपार्चर के 4 घंटे पहले तक टिकट को कैंसिल किया है तो आपका टिकट कोई भी क्लास का हो आपका 50% फेयर डेबिट हो जाता है। और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, जो भी ट्रेन दोपहर के 12 बजे तक स्टार्ट होती हैं उनका चार्ट एक दिन पहले ही रात को प्रिपेयर हो जाता है। सेकंड, चार्ट प्रिपरेशन आपने सुना है, बहुत बार हमने बोला, चार्ट प्रिपरेशन वो समय होता है या तो ट्रेन अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन से जिस दिन चलती है उसके 4 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर होता है, या तो आप जिस स्टेशन से चढ़ रहे हैं उससे 4 घंटा पहले चार्ट प्रिपेयर होता है। आइए अब चलते हैं हम दूसरे केस की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि अगर चार्ट प्रिपेयर हो चुका है तब क्या करें। तत्काल टिकट के कैंसिलेशन नियम्स के बारे में जानेंगे, और अगर किसी भी कारणवश आपकी ट्रेन रद्द हो जाती है तो आपको क्या क्या रिफंड मिलता है, चलिए जानते हैं। पहले हम जानेंगे कि अगर आपका चार्ट प्रिपेयर हो गया है तब आपको क्या रिफंड मिलेगा और कैसे मिल सकता है। फर्स्ट केस देख रहे हैं आप, जैसे कि नो रिफंड ऑफ फेयर, आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा अगर आपका कंफर्म टिकट था और आपने कैंसिल भी नहीं किया और ना ही आपने TDR फाइल किया 4 घंटे पहले शेड्यूल डिपार्चर के, तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। सेकंड केस है, अगर आपका RAC टिकट है या वेटलिस्टेड टिकट है और आपने शेड्यूल डिपार्चर के 30 मिनट पहले तक ना तो टिकट कैंसिल करवाया है और ना ही TDR फाइल किया है, उस केस में भी आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अक्सर लोग ये दुविधा रहती है कि अगर आपने एक ही टिकट पर एक से ज़्यादा लोग ट्रेवल कर रहे हैं और उसमें किसी का टिकट कंफर्म हो गया है और किसी का वेटिंग ही रह गया है, तो अगर आप चाहें तो जिनका टिकट वेटिंग रह गया है आप उनका टिकट को कैंसिल कर बाकी लोग जर्नी कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो पूरा टिकट भी कैंसिल करवा सकते हैं, जिसमें आपका खाली वेट लिस्टेड टिकट्स और RAC टिकट का क्लेरिकल चार्ज ही कटेगा 30 मिनट पहले तक शेड्यूल डिपार्चर के। अब हम जानते हैं तत्काल बुक्ड टिकट्स के बारे में। तत्काल में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी रिफंड नहीं मिलता है कंफर्म टिकट के केस में, और अगर आपका वेटिंग टिकट है तो ऑटोमेटिकली आपका टिकट कैंसिल हो जाता है और आपको रिफंड इशू हो जाता है। और अगर आपके टिकट पर एक से ज़्यादा पैसेंजर हैं और तत्काल बुकिंग करते समय आप में से एक का आपको कंफर्म टिकट मिल गया है, दूसरे का आपको वेटिंग मिला है, तो आप तत्काल में पार्शियल टिकट कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं लास्ट केस, जो कि है अगर आपकी ट्रेन को कैंसिल कर दिया जाता है बाढ़, एक्सीडेंट या किसी भी कारण से, तो आपको उस केस में पूरा का पूरा रिफंड दिया जाएगा रेलवे द्वारा। उसके लिए आपको 3 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल डिपार्चर के उस टिकट को कैंसिल करवाना पड़ेगा, तभी आपको रिफंड मिलेगा। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप का जो टिकट कैंसिलेशन है, जो कि काउंटर टिकट कैंसिलेशन। काउंटर टिकट को आप ऑनलाइन भी कैंसिल कर सकते हैं और आप काउंटर पर जाकर ऑफलाइन भी कैंसिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आप काउंटर टिकट को ऑफलाइन कैसे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन काउंटर टिकट कैंसिल करने का पूरा प्रोसेस है, उसके लिए मैंने आपका वीडियो बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं।
काउंटर टिकट को कैंसिल करने के लिए आपको PRS काउंटर पर जाकर रिजर्वेशन या कैंसिलेशन फॉर्म जो होता है उसको आपको फिल कर देना है। अगर आपको अपने टिकट पर जितने यात्री हैं सभी का कैंसिल करना है तो आपको उस फॉर्म में सभी के नाम और डिटेल्स भरनी पड़ेगी। या तो अगर आप किसी पर्टिकुलर आदमी का टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपको खाली उसी पैसेंजर का नाम और डिटेल्स को भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद जब आप उसे दे देंगे तो आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा और जो भी रिफंड होगा वो आपको मिल जाएगा रेलवे द्वारा। चलिए अब हम जानते हैं कि IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के द्वारा आप कैसे टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। टिकट कैंसिल करने के लिए आपको अपने IRCTC ऐप में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको ट्रेन पर क्लिक करना है। ट्रेन पर क्लिक करने के बाद आपको माय बुकिंग्स पर क्लिक करना है। माय बुकिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको टिकट सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा टिकट को कैंसिल करना है। यहाँ पर आप राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे 3 डॉट्स, हम इस पर क्लिक करेंगे। हमें सेकंड ऑप्शन जो कि है कैंसिल टिकट, इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें कंफर्म कैंसिल का पेज ओपन होगा। यहाँ पे हम अपना टिकट में पार्शियल कैंसिल भी कर सकते हैं और चाहे तो कंप्लीट कैंसिल भी कर सकते हैं। पार्शियल कैंसिल मतलब अगर आपने कोई टिकट बुक किया है जिसमें एक टिकट कंफर्म हो गया है और दूसरा पैसेंजर का टिकट अभी वेटिंग है, तो आप अगर चाहते हैं कि खाली जो वेटिंग टिकट है उसी को कैंसिल करना, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरा ही टिकट कैंसिल करना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करके नीचे कैंसिल पर क्लिक कर देंगे तो आपको शो हो जाएगा कि आपको कितना रिफंड मिल रहा है और आपका टिकट भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने टिकट को कैंसिल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, और जो भी आपका रिफंड है वो आपको 2-3 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, या आपने जो भी पेमेंट मोड सिलेक्ट किया है उसी के थ्रू आपके अकाउंट तक पहुंच जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।